रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध जैसे हालात, यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे अभिभावकों में बड़ी चिंता। संबल जिले के 13 छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में। 13 छात्रों में से एक छात्र फैजान अशरफ के परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई गुहार, सकुशल घर लौट आए बेटा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोबिन अशरफ है। आपकी बेटी यूक्रेन में पढ़ रही है, क्या नाम है उनका? उनका नाम फैजान अशरफ। क्या कर रहे हैं? वहाँ वो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, जैसे इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच गृह युद्ध के बात सामने आई है, वहाँ हालात बने हुए युद्ध के, तो किस तरह का वहाँ माहौल है और क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, युद्ध का माहौल तो है ही और समाचारों में न्यूज़ से वैसे भी हम देखते रहते हैं हर वक्त, लेकिन ये हमारी बेटे से जो बातचीत होती है जहाँ वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वहाँ वो ये बता रहा है कि यहाँ अभी तक कोई बात ऐसी है नहीं किसी तरह की खतरे की, यहाँ हम महफूज हैं और सही हैं। जो भी जो हालात हैं युद्ध के जो भी हैं, वो यूक्रेन और उसके रूस के बॉर्डर पर हैं जी, वहाँ कोई बात नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो हमारी काफ़ी दूर है वहाँ से बॉर्डर से। तो अब जैसे इस वक्त जैसे हालात हैं, आप भी पिता हैं, बेटा काफ़ी दूर पड़ रहा है, दूसरे देश में पड़ रहा है, तो एक मन में डर का माहौल तो होगा। हाँ, डर तो है ही। अब ये भी है साहब, हमारी मतलब औलाद है, बेटा है हमारा, वो हमने तो यही कि पढ़ लिख के वो कामयाब हो गए यहाँ आए। तो पिता होने के नाते किस तरह का इस वक्त मन में क्या क्या सवाल गुजर रहे हैं आपके? सवाल में अब ये है कि जो हमने सुना है कि सुबह से मतलब वहाँ हुआ है, कुछ हालात वैसे बिगड़े हैं, तो मतलब परेशानी की बात है ही। और ये दिल में ये भी है कि किस सूरत से हमारा बेटा जो है वो घर पर आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो मन में ये सवाल है कि बेटा इस वक्त घर पर आ जाए, घर पर आ जाए। अच्छा, जैसे सरकार से इस वक्त, भारत सरकार से इस वक्त क्या मांग करते हैं? भारत सरकार से तो हमारी यही मांग है कि हमारा बेटा भी और सभी लोगों के जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, छात्र जितने भी पढ़ रहे हैं, सभी के बच्चे घर पर आ जाने चाहिए। और हम तो मांग करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी से, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं बहुत देश के, तो उनसे मांग करेंगे कि हमारे सभी बच्चों को जो है वो यूक्रेन से, बच्चे या और लोग जो भी हैं यहाँ यूक्रेन में, यहाँ से इंडिया गए हुए काम करने के लिए गए चाहे पढ़ने के लिए गए, वो सभी लोग मतलब जो है सही सलामत जो है वो यहाँ जाने चाहिए। क्या नाम है आपका? अमीर जहाँ। बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है? हाँ, बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच मध्य युद्ध के हालात पैदा हुए हैं। हाँ। तो ऐसे में किस तरह के हालात हैं और क्या आपको कहना चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा घर आ जाए। हाँ। कितना टाइम हो गया आपको चूक मारे हुए? तीसरा महीना देख के। तीसरा महीना। क्या नाम है? फैजान अशरफ। अब जैसे वहाँ यूक्रेन में हालात हैं, एक माँ है आप, माँ का दर्द बेटे के प्रति ज्यादा होता है, प्यार होता है। अब बेटा बाहर है, दूसरे देश में पढ़ रहा है और हालात वहाँ के खराब हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा दिल परेशान है। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चा हमारा घर आ जाए, जब वहाँ के हालात सही हो जाए तो चला जाए वापस, क्या है पढ़ाई के लिए। कुल मिलाकर क्या चाहती है? आपका बेटा आपके पास आ जाए इस समय जो हालात खराब। हाँ। सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से की मांग कर रहा हम तो, भैया हमारा बच्चा वैसे सही हो रहे, अपने घर आ जाए, कोई परेशानी ना आवे बच्चों को। कोई परेशानी? भारत सरकार से मांग करती है कि बच्चा सब कुछ घर आ जाए। हाँ। क्या आपकी आपके बच्चे से बात हुई? हाँ, बात तो हो हमारे बच्चे से। कब हुई लास्ट बार? आखिरी बार कब हुई? परसों करी थी। परसों करी। क्या क्या बता रहा था? हालात वहाँ जहाँ है वहाँ तो सही बता रहे थे, वहाँ तो कोई परेशानी ना। लेकिन अब शुरू वहाँ पे युद्ध की बात सामने आई है कि रूस ने अटैक कर दिया वहाँ पर, तो अब मन में किस तरह का डर है, खौफ है आपके? यही डर है, कोई बात ना हो, बच्चे सही रहे। अपने आपकी जैसे आपने बताया कि परसों बात हुई थी, क्या आज कोई बात हुई है युद्ध की बात सामने आ रही है? ना, आज तो कोई बात नहीं। आज बात नहीं हुई? कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की आपने? हाँ, बात करने की कोशिश की। ना, बात हुई ना आज। लड़के का हमारा फोन बंद आ रहा था। फोन बंद आ रहा है?